16 और 17 ये दो श्लोकों में ध्यान योग के लिए जो खास नियम है वो बताए। अब ऐसे नियमों का पालन जो करता है और स्वरूप का ध्यान करता है, ऐसे साधक की क्या स्थिति होती है, यह बात 18वें श्लोक में प्रभु बताते हैं। 18वां श्लोक, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यहां पर भगवान यदा और तदा में बात कर रहे हैं, जब और तब। जैसे छठे अध्याय के चौथे श्लोक में प्रभु ने यदा और तदा की बात की थी। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदा उच्यते। यदा और तदा, ऐसे अब 18वें श्लोक में प्रभु पुनः एक बार यदा और तदा, यदा जब, विनियतम चित्तम वश में किया हुआ चित्त, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही अपने शुद्ध स्वरूप में ही अवतिष्ठते, स्थिर हो जाता है, और सर्व कामेभ्यः निस्पृहः, सारी कामनाओं से, संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह हो जाता है। अभी उसको किसी के प्रति आकर्षण नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती। ऐसी स्थिति में जब हो जाता है तदा, तब युक्तः इति उच्यते, तब उसे वो युक्तः अर्थात योगी ऐसा कहा जाता है। विनियतम चित्तम, विनियतम शब्द व्याकरण से ऐसे बनता है, वि प्लस नी प्लस यतम। यतम का अर्थ है कंट्रोल में, स्वाधीन। नियतम, नियम पूर्वक कंट्रोल में, और केवल नियत नहीं, हम कहते ना नियत समय में आना है। विनियतम विशेष पूर्वक नियम पूर्वक कंट्रोल में, विनियतम विशेष रूप से नियम पूर्वक अनुष्ठान द्वारा जिस चित्त को स्वाधीन किया गया है, कंट्रोल में किया गया है, ऐसा चित्त आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, अच्छी तरह से स्थिर हो जाता है, तब उसे, और कैसा, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, अब उसे किसी कामना के प्रति स्पृहा नहीं रहती, अब उसे योगी कहा जाता है। प्रिय स्वजनों, योगी बनने के लिए आवश्यक है स्थिरता, योगी बनने के लिए आवश्यक है सहजता। इधर दौड़ना उधर दौड़ना, इससे स्थिरता नहीं आती।
और ठीक है संसार में पुरुषार्थ करने के लिए हम इधर उधर जाएं, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति स्थिर क्यों नहीं हो सकता। शरीर से प्रवृत्ति होती रहे, मन से यदि व्यक्ति स्थिर रहे तो कितना अच्छा हो। हमारा होता उल्टा है, शरीर से प्रवृत्ति बहुत कम करते हैं, मन से दौड़ धूप करके थक जाते हैं। जिसको शांति पानी हो उसे मन को स्थिर करना पड़ेगा। और याद रखना, जीवन में अशुभ जो होता है ना उसके लिए अधिक आयोजन करना पड़ता है, दौड़ धूप करनी पड़ती है, शुभ के लिए स्थिरता पर्याप्त है। किसी का अपमान करना हो, किसी को गालियां देनी हो तो बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, कैसे उसका अपमान करेंगे, कैसे उसको मिर्ची लग जाए, कैसे उसको दुख लग जाए, कैसे उसके दिल को चोट पहुंचे, इसलिए कठोर से कठोर शब्दों का चयन करते हैं आप। किसी को दुख पहुंचाने के लिए बहुत सोचना पड़ता, लेकिन किसी को सुख पहुंचाने के लिए इतना प्लानिंग नहीं करना पड़ता, इतना आयोजन नहीं करना पड़ता उसके लिए। बस एक केवल मधुर स्मित कर दो उसके सामने, उसे सुख मिल जाता है। दुख पहुंचाने के लिए बहुत कुछ, झूठ बोलना हो उसके लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा, मैं सच बोलता हूं, मुझे कुछ याद रखने की आवश्यकता ही नहीं। जो झूठ बोलता है उसे बहुत याद रखना पड़ता, इसके सामने ये कहा, उसके सामने ये कहा, तीसरे के सामने तीसरी बात, चौथे के सामने चौथे, और वो चारों जब इकट्ठे हो जाए तो फिर देखो इसका टेंशन। कोई वटाणा वेरी न दे और जरा सा कोई बोले नहीं नहीं अभी आप, मैं बाद में समझाता हूं आपको ना, मैं बाद में समझाता हूं मतलब मुझे खुला मत कर दो। कितना आयोजन करना पड़ता। और जो सत्य बोलते हैं वो तो बालक की तरह निर्दोष, जो चतुर लोग होते हैं ना ऐसे निर्दोष लोगों को कहता है ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, क्रोध करने के लिए आयोजन करना पड़ता है, शांत रहने के लिए कोई आयोजन करना पड़ता है। प्रिय स्वजनों इतनी बात याद रखो, इस श्लोक के आधार पर मैं निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इतना ध्यान रख लें आप, एक एटीट्यूड यदि बना सके हम, यह संसार में कोई भी पूर्णतः बुरा नहीं है और यह संसार में कोई भी पूर्णतः अच्छा नहीं है। महाभारत हमें यही सिखाता है, द वर्ल्ड इज नॉट एब्सोल्यूटली व्हाइट, इट इज नॉट एब्सोल्यूटली ब्लैक, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रे। कोई भी इतना बुरा नहीं है, याद रखना ये मनुष्य के स्वभाव में नहीं। 24 कलाक के लिए, 24 घंटे के लिए कोई बेईमान रह ही नहीं सकता, बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी कहीं पर जाकर तो ईमानदार हो जाता है। टोटल बुरा ऐसा कोई है ही नहीं, इस सृष्टि में कोई भी बात ऐसी नहीं। हमें यदि लग रही है कि एक बुरा है तो शायद हमारे देखने में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी दृष्टि को बदल दें तो बुरा भी अच्छा दिखने लगेगा। बगीचे में आप गए, गुलाब के पौधे लगे हुए हैं,
तोड़ने गए गुलाब कांटा लगा, तो स्वाभाविक आपको लगेगा रही ये कांटे कितने बुरे हैं। लेकिन थोड़ा शांति से सोचिए, ये कांटे भी बुरे नहीं हैं, ये कांटे भी गुलाब की रक्षा का काम कर रहे हैं, ये कांटे भी अच्छे हैं। ये कांटे न होते तो शायद गुलाब भी न होता। दृष्टि बदलने की आवश्यकता है बस। पता नहीं क्यों हम सृष्टि बदलने की दौड़ धूप में लगे हैं। दुनिया को बदल डालो, संसार को बदल डालो। नहीं बदल, कितने लोग चले गए, संसार ऐसा ही। सृष्टि को बदलने का प्रयास न करें, दृष्टि को बदल लें बस। और जब व्यक्ति बिना दृष्टि को बदले सृष्टि को बदलने जाता है, तब अपने लिए केवल मुसीबतें निर्माण कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति के नींव में अहंकार होता है, मैं बदल डालूंगा, मुझे सब पता है। ये अहंकार ही दुख निर्माण करता है। कांटे भी अच्छे। तालाब में कीचड़ है, कीचड़ देखकर मुंह खराब करोगे, अरे वो कीचड़ में से ही कमल उत्पन्न होता है। आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल बनाया है, वहां कोई कीचड़ नहीं है, 24 घंटे पानी भरा हुआ है, कमल खिलता है उसमें। शुद्ध स्विमिंग पूल, एक बिल्कुल मिट्टी नहीं, कीचड़ नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध पानी खिलता है कमल। कीचड़ भी जरूरी है, कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई है। ईश्वर ने जो इस संसार की रचना की, हम होते कौन है उसमें बुराई देखने वाले। एक बड़ा अच्छा सुभाषित, बुद्धिमान व्यक्ति एक निकला, उसने कहा संसार प्रभु ने बनाया लेकिन कुछ गलतियां रख दी उसमें। क्या गलतियां? देखिए, इतनी महंगी धातु बनाई, सुवर्ण, पीली चमकती हुई मूल्यवान धातु, लेकिन गंधम सुवर्णे फलमिक्षुदंडे, ये भगवान सुवर्ण में सुगंध रखना भूल गया, नहीं आया उसको। काश भगवान सुवर्ण में सुगंध रख देता तो कितना अच्छा होता। फलमिक्षुदंडे, इक्षुदंड गन्ना शेरड़ी, गन्ने के पौधे पर फल नहीं लगते क्योंकि गन्ना स्वयं फल है, मीठा। लेकिन यूं देखो तो गन्ना तो स्टेम है ना, थड़ है, वो मिठास फल में होती है। गन्ने का स्टेम, टहनी इतनी मीठी है तो यदि उसके ऊपर फल लगता तो कितना मीठा होता। नहीं आया भगवान को, ये कमी छूट गई भगवान से। ये काश गन्ने के छोड़ पे, गन्ने के पेड़ पे, गन्ने के पौधे पर प्रभु फल लगा देता तो कितना अच्छा होता। ऐसी बड़ी लिस्ट बनाई उसने। चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, खुशबू सुगंध ये फूल का स्वभाव है। चंदन की लकड़ी ही इतनी खुशबूदार है तो यदि उसके ऊपर पुष्प लगते तो कितने खुशबूदार होते। नहीं आया प्रभु को, छूट गया ये उससे। काश चंदन के वृक्ष के ऊपर फूल लगते तो कितना अच्छा होता। बड़ी लंबी लिस्ट बताई, लेकिन अंतिम पंक्ति ने कवि ने लिखा, अरे मनुष्य काश तेरे में ये दोष देखने की दृष्टि न होती तो कितना अच्छा होता। तो सब में से गलतियां ही निकाल रहा, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तू यदि दोष न देखता तो कितना अच्छा होता। सृष्टि बहुत सुंदर है, अस्तित्व है तो वहां पर द्वंद्व होंगे, डायलेक्टिक्स होंगे, और अस्तित्व में
विरोधाभास हमेशा साथ में रहकर ही उसको संतुलित करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यह सृष्टि का स्वभाव है। गेहूं लेंगे, चावल लेंगे, तो उसके ऊपर एक वो फुसकी लगी रहती है ना, क्यों है? सीधे पेड़ के ऊपर, छा पौधे के ऊपर गेहूं ही आ जाते तो, सीधे चावल आ जाते तो इसके ऊपर ये फुसकी को हटाओ, फिर उसको पॉलिश करो, ये करो, तुझे लगता है। लेकिन वो फुसकी भी गेहूं की और चावल की रक्षक है, उसको प्रोटेक्ट करती है। यहां पर अनावश्यक कुछ है ही नहीं। निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, कामनाओं में स्पृहा आ जाती है तो क्या होता है? ये मुझे पसंद है, ये चाहिए, ये पसंद नहीं है, ये ना चाहिए, ये द्वंद्व जिसका चला गया। God is in the heavens and everything is all right with the world. परमात्मा वैकुंठ में विराजमान है और सृष्टि बड़ी सुंदर चल रही है। यहां जो कुछ भी है सही है। ये दृष्टिकोण आ गया। योगाभ्यास का अर्थ है संसार में जहां पर बुराई दिखाई पड़ती है उस बुराई को देखने के दोष को निकालना, ये योगाभ्यास। और ये जब होगा तब जो भी विकार हैं वो विकार भी परिवर्तित हो जाएंगे। ये स्थिति जब आएगी तब तब आपका जो क्रोध रूपी विकार है वो क्षमा की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। ये स्थिति जब आएगी निस्पृह सर्व कामेभ्यो, तब तब आपकी काम रूपी जो ऊर्जा है वो प्रेम की शक्ति में रूपांतरित हो जाएगी। लोभ का जो विकार है वो दान की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। ये कब होगा? यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। विशेष रूप से नियम पूर्वक कंट्रोल में किया गया चित्त, अशुभ विचारों को नष्ट करो, अशुभ दृष्टि को नष्ट करो, तो कुछ अशुभ है ही नहीं। और अंत में ये देखते देखते दृष्टि आती है कि मनुष्य भी, ये मनुष्य अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है। अरे हम कौन होते हैं मनुष्य के ऊपर ये थप्पा लगाने वाले? ये ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, आदि शंकराचार्य जी, ये ब्रह्म है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। वस्तुतः अद्वैत वेदांत जो कहता है कि जीव ब्रह्म ही है, अहम् ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम् ब्रह्म, चार मूल वेद वाक्य, तो हम ब्रह्म हैं। इसका जब विस्मरण हो गया, जब स्वयं ब्रह्म है वो भूल गए, तो स्वाभाविक है आसपास अत्र तत्र सर्वत्र ये सब ब्रह्म है वो भी भूल गए, उसका भी विस्मरण हो गया। योग और कुछ नहीं है, ये विस्मरण को दूर करने की प्रक्रिया है, ये योग है। जैसा ही ये विस्मरण चला जाएगा स्मरण जागृत हो जाएगा, और तब पता चलता है कि ये जो संसार में कुछ अयोग्य दिखता है ना वो भी अपनी जगह पर सही है। बीमारी है तो स्वास्थ्य क्या है वो पता चलता है,
जब तक बीमारी नहीं आती तब तक मनुष्य को स्वास्थ्य का मूल्य भी नहीं रहता। एक बार बीमार हो जाए ना, परेशान हो जाए, फिर डॉक्टर कहें तुम्हें इसकी एलर्जी है, ये मत खाना, अब सावधान हो जाता है। एक बार भूल से खा लिया था, 15 दिन बहुत परेशान हुआ, अब तुम्हें स्वास्थ्य का मूल्य क्या है वो पता चलने लगा, स्वास्थ्य की महत्ता क्या है। अंधेरा है तब प्रकाश का मूल्य पता चलता है। विपरीतता में ही जो तत्व है उसका मूल्य पता चलता है। इसी तरह ये ज्ञान तो हमारा स्वभाव है लेकिन उसका विस्मरण हो गया। पर वेदांतियों ने बड़ा सुंदर कहा कि जैसे ही इस अज्ञान में से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही ये ज्ञान उस अज्ञान को नष्ट कर देता। अली वली कर्कटवंशरंभा विनाश काले फलिनो भवंती। वेदांति लोग इतने सुंदर दृष्टांत देते हैं और मुझे लगता है कि ये जो आधुनिकता की ओर हम जा रहे हैं, हमारी नई जनरेशन, उनको ये गांव क्या है पता नहीं है, प्रकृति क्या है पता नहीं है, कुदरत क्या है पता नहीं है। क्योंकि ये जो ऋषि थे वो तो जंगल में रह करके प्रकृति के बिल्कुल समीप रह करके चिंतन करते थे तो उनको ये दृष्टांत अपने आप तुरंत मिल जाते थे। अब हमने प्रकृति से तो रिश्ता ही तोड़ दिया, नाता ही तोड़ दिया। आज से 50-100 साल के बाद ये लोग जो आएंगे और ये ऐसे श्लोक ये पढ़ेंगे कि अली वली कर्कटवंशरंभा विनाश काले फलिनो भवंती, कैसे समझ पाएंगे इसका अर्थ? अभी तो केवल संस्कृत भाषा नहीं आती इसलिए नहीं समझ पाते, उस समय तो भाषा भी नहीं आएगी और प्रकृति भी नहीं होगी। क्यों दिवाड़ू फूंकाई जैसे तुमने हसू आवे, मने दुख था, चिंता था। याद रखना नेगेटिव में से ही पॉजिटिव प्रकट होता है और पॉजिटिव जैसे प्रकट होता है वो नेगेटिव को नष्ट कर देता। संसार में ये अस्तित्व में दिखाई पड़ता। अली, अली का अर्थ है विंछी, हिंदी में क्या कहते हैं मैंने, बिच्छू। ये बिच्छू की जो मां होती है वो एक साथ में 10-12-15 बिच्छुओं को जन्म देती और तुरंत के जन्मे हुए वो बिच्छू के बच्चे इतने भूखे होते हैं, उनको पता नहीं कि क्या खाना है। अस्तित्व का नियम है ये, देखना आप, जन्म जैसे ही उसने वो 12-15 बच्चों को दिया कि वो 15 बच्चे मिलकर अपनी मां को ही खा जाते हैं। एक तरफ से मातृत्व का आदर्श भी लोग महापुरुष देते हैं कि बिच्छू जो मदर बिच्छू है उसको पता है कि जैसे ही मैं मां बनूंगी मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, फिर भी मातृत्व की उसकी अभिलाषा उतनी होती है उस पशु की, उस जीव की। तो जिस अली, जिस बिच्छू में से उन बच्चों का जन्म हुआ उन्होंने ही मिलकर माता जो बिच्छू थी उसको खत्म कर दिया, अली। फिर कहा वली, ऐसा ही वली खच्चर। अब देखिए खच्चर तो क्रॉस ब्रीड है, कुदरती तो जन्म होता नहीं है क्योंकि शक्ति ही नहीं है, आर्टिफिशियल ही है वो तो। जैसे ही बालक का जन्म होता है मां की मृत्यु हो जाती है। कर्कट काचंडी, राजा जी बोलिए हिंदी। हमारे यहां हां
केकड़ा नहीं, केकड़ा तो अलग होता है, गिरगिट भी अलग होता है, ठीक है चलो गिरगिट जैसा एक प्राणी है। बोले करकट, उसका भी यही होता है। बच्चों को जन्म देने के साथ ही मृत्यु हो जाती है उनकी। वंश बांस, बांस जैसे फटता है तो जिसमें से वो निकला उसी को चीर देता है। और रंभा, रंभा का अर्थ है केल, केला, केले का वृक्ष भी वो जब उगता है ना, जिस दिन वो बीज में से फटता है ची करके ऐसी आवाज आती। और जहां से निकला उसी को नष्ट कर देता। वेदांती कहते हैं ये जैसे पांच विनाश काले फलिनो भवंती, उनका जब विनाश आता है तब वो फली फलवती होते हैं, फल को जन्म देते हैं, या तो फल को जन्म देते ही उनका विनाश हो जाता है। ऐसे संसार में ज्ञान का जैसे ही जन्म हुआ अज्ञान नष्ट होता है, दिया जैसे ही प्रज्वलित हुआ अंधेरा नष्ट हो जाता है। ये दो अलग अलग काम नहीं होते कि भी दिया जलाओ और चलो फिर अब अंधेरा निकालो झाड़ू लेकर, नहीं, जैसे ही आपने दीप प्रज्वलित किया कि अंधेरा गया। विनाश काले फलिनो भवन्ति, हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए, विनियत चित्त, आत्मन्येवावतिष्ठते। जितनी स्थिरता आएगी, जितनी निस्पृहता आएगी कामनाओं के प्रति, इतना व्यक्ति योग मार्ग में सफल होता है। आइए 19वां श्लोक।